हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट की बाजार पर। दोस्तों, अभी आईपीओ मार्केट में काफ़ी बड़ी हलचल है। चार चार मेन बोर्ड आईपीओस दोस्तों आप कह सकते हैं कि आते हुए देखने को मिल रहे हैं। एचएमए एग्रो आज बंद हो गया है, आइडिया फोर्ज मंडे से खुल जाएगा, उसके बाद साइएंट आईपीओ, उसके बाद पीएलके वेंचर्स आईपीओ, सारे आईपीओस जो हैं ये खुलते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अभी ये जो दोनों आईपीओ आ रहे हैं, आइडिया फोर्ज और साइएंट, इन दोनों में डेफिनेटली दोस्तों तगड़ा ग्रे मार्केट में कामकाज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और क्या आज का करंट ग्रे मार्केट चल रहा है, ग्रे मार्केट में कैसे दम आपको होता हुआ देखने को मिल रहा है, सब पर इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके जरूर जाएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहां पर दोस्तों अगर अपन सबसे पहले आइडिया फोर्ज की बात करें तो दोस्तों मंडे के दिन ये आईपीओ जो है वो इंडियन मार्केट्स में लॉन्च होता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी का आपको पता ही होगा, ड्रोन कंपनी है, यूएस के अंदर कंपनी का मेनली कामकाज है, जिसको अपन कह सकते हैं अननेम्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, जहां पर कंपनी सर्वेलेंस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हुई देखने को मिलती है अपने क्लाइंट्स को। और इस आईपीओ के टेंटेटिव डेट्स की अगर बात करें तो 26 जून को ओपन होगा, 29 को क्लोज होगा, अलॉटमेंट 4 को, 5 को रिफंड, 6 तारीख को रेट ऑफ शेयर्स डिमांड, और उसके बाद लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी। अब अगर बात करें इसकी ग्रे मार्केट की, तो लगभग दोस्तों इसकी ग्रे मार्केट 500 रुपीज़ पर पहुंचती हुई देखने को मिल रही है। ये हाईएस्ट ग्रे मार्केट है दोस्तों चाइपियो वॉच की वेबसाइट पर। अगर अपन एवरेज ग्रे मार्केट की बात करें तो एवरेज ग्रे मार्केट जो है वो दोस्तों लगभग 470 से 500 के बीच में लाया करती हुई देखने को मिल रही है। और डेफिनेटली दोस्तों अगर मैं अप्लाई अवॉइड की बात करूँ तो इसमें 100% आपको अप्लाई करना चाहिए। पिछले भी वीडियोज में आपको बता चुका हूँ मैं कि इसमें डेफिनेटली बड़े लिस्टिंग गेन आपको होते हुए देखने को मिलेंगे और रिटेल पोर्शन मात्र 10% का ही है। तो डेफिनेटली जिसको भी आईपीओ मिलेगा उसको तगड़ा मुनाफा होता हुआ देखने को मिलेगा। अब अगर सेकंड आईपीओ की बात करें तो एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज का आईपीओ जो कि आज के दिन क्लोज होता हुआ देखने को मिला। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो काफी फीका सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ को मिलता हुआ देखने को मिला है। और लगभग दोस्तों इसकी जो ग्रे मार्केट है वो दोस्तों 15 रुपए से 20 रुपए के बीच में चलती हुई देखने को मिल रही है। डेफिनेटली जिन्होंने भी आईपीओ लगाया है उसको 100% ही आईपीओ मिलता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि रिटेल कैटेगरी जो थी 0.96 टाइम बढ़ती हुई देखने को मिली थी। तो डेफिनेटली जिन्होंने भी इस आईपीओ में अप्लाई किया है उनको आईपीओ जरूर मिलता हुआ देखने को मिलेगा। अब अगर बात करें साइएंट डीएलएम आईपीओ की, दोस्तों इस कंपनी का नाम यहां पर आप पढ़ सकते हो, डेफिनेटली 1993 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और डेफिनेटली काफी टाइम बाद कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती हुई देखने को मिली है। इसके टेंटेटिव डेट्स की बात करें दोस्तों ट्यूसडे के दिन, जी हाँ, मंडे को आइडिया फोर्स, उसके बाद अगले दिन ट्यूसडे के दिन दोस्तों ये आईपीओ लॉन्च होता हुआ देखने को मिलेगा। और इसकी जो क्लोजिंग है वो 30 तारीख की, अलॉटमेंट 5 तारीख को है, रिफंड जो है वो 6 तारीख को है, और 7 तारीख को क्रेडिट ऑफ शेयर्स को डिमांड, और डेफिनेटली उसके बाद आपको लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी। तो ये आईपीओ भी डेफिनेटली दोस्तों काफ़ी जोरदार आईपीओ है, इसकी ग्रे मार्केट में तगड़े फायरवर्क्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और इसकी ग्रे मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 42% ऊपर इसकी ग्रे मार्केट ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है, 265 रुपये, जी हाँ 265 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, और 110 रुपये ऊपर इसकी ग्रे मार्केट चल रही है। तो डेफिनेटली दोस्तों काफी शानदार लिस्टिंग गेन इस आईपीओ में होते हुए देखने को मिलेंगे। और अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट की बात करें तो कहीं ना कहीं दोस्तों 6.5 से 7.5 हज़ार के बीच में भी मुनाफा आपको साइएंट डीएलएम के आईपीओ में होता हुआ देखने को मिलेगा, अगर आपको आईपीओ मिला तो। अब अगर बात करें आईपीओ साइज की तो दोस्तों इसमें क्या खासियत है, तो दोस्तों यहां पर आप देखिए 592 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली इशू है, जिसमें से 592 करोड़ ही दोस्तों यहां पर आपको फ्रेश इशुएंस की तरफ से कंपनी जुटाती हुई देखने को मिल रही है। तो ये काफी बढ़िया है, जब भी कोई कंपनी फ्रेश इशुएंस से पैसे जुटाती हुई देखने को मिलती है तो उसमें डेफिनेटली बढ़िया तेजी होती हुई देखने को मिलती है। और यही दोस्तों एक कारण है जब इसकी ग्रे मार्केट 42% ऊपर ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। आगे अगर अपन बात करें अगले आईपीओ की तो पीकेएच वेंचर्स लिमिटेड अगला आईपीओ है। ये आईपीओ भी दोस्तों आपको लॉन्च होता हुआ देखने को मिलेगा 30 तारीख को, यानी 27 को अपना साइएंट का आईपीओ, उसके 3 दिन बाद लगभग दोस्तों फ्राइडे के दिन ये आईपीओ ओपन होगा। और इसकी जो क्लोजिंग है वो 4 जुलाई तय की गई है, अलॉटमेंट 7 जुलाई, रिफंड 10 जुलाई, एंड 11 जुलाई को इस आईपीओ के शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आते हुए देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली इस आईपीओ में भी काफ़ी तगड़ा कामकाज होता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन इसकी जो ग्रे मार्केट्स है उसमें अभी कोई खास कामकाज नहीं है क्योंकि दोस्तों प्राइस बैंड जो है वो तय नहीं हुआ है। बट डेफिनेटली इस आईपीओ में भी उम्मीदें यही लगाई जा रही है कि इसकी ग्रे मार्केट में भी तगड़े फायरवर्क्स देखने को मिलेंगे और इसमें भी अच्छा लिस्टिंग होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जितने भी आईपीओस थे, चाहे वो आइडिया फोर्ज हो, एचएमए एग्रो आईपीओ हो, साइएंट आईपीओ हो, पीकेएच वेंचर्स का आईपीओ, सब पर हमने इस वीडियो में बात कर ली। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है आईपीओ रिलेटेड तो जरूर मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।